नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीरो ग्राउंड की रिपोर्ट और मैं हूँ अभी तिहार जो गांव है उसकी रोड है और ये भटवाड़ी से ठेरान से ऊपर कट के ये रोड ये कुचन के लिए है और ये तिहार रोड है। यहाँ पे तिहार में काम हो रहा है और यहाँ पे जीसीबी वगैरह सब चीज़ लगी हुई है। ये है, अभी मैं ये कह दूँ कि यहाँ पे जो काम चल रहा है वो जो ये यहाँ पे एक डंपिंग जोन नहीं है और रोड का जो जितना भी मलमा है वो सड़क के किनारे ये लोग डाल रहे हैं और नीचे सारी रोडें अभी ब्लॉक हैं। अभी मैं आपको बता देती हूँ, ये एक खाई है और ये जीसीपी आ रही है इनकी, ये पूरा मलमा ला रही है, ये ला दिया इन्होंने लाया और ये इन्होंने यहाँ पर डंप कर दिया। ठीक है, फिर से मैं एक बार इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाऊंगी कि ये नीचे बैंड है ऊपर आने के और यहाँ पे बीच में कुचन गाँव में पड़ता है और हाईवे रोड तो है ही। ये जीसीपी है, इसने पूरा लोड ला दिया और ये इसने लाया और इसने घटेरा और इसके साथ एक बहुत बड़ा पत्थर है और ये गया सार। अब आप सोच सकते हैं कि अगर ये पत्थर नीचे हाईवे तक पहुंच गया तो जो नीचे गाड़ियां वगैरह होंगी उनके क्या बुरे हाल होंगे। अब ये पूरा जी इन्होंने दो तीन बैंड इस पत्थर ने ब्लॉक कर दिए हैं। ये देखिए यहाँ अभी लोगों की गाय भी हो सकती है, लोग घास के लिए जा रखे हैं। यहाँ पे लिया जाए कि यहाँ पे एक डंपिंग जोन होना चाहिए, यहाँ पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, यहाँ के लोगों के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि आजकल घास का समय है। लोग महिलाएं हमारी माता सब भी घास के लिए जा रखी हैं और ये पूरा देख सकते हैं सर आप नीचे तक बहुत, मतलब इस कैमरा थोड़ा साफ नहीं है तो इसलिए इसमें साफ नहीं आ रहा, पूरा नीचे तक जा रहा है। ये आप देख सकते हैं ये पूरा ये यहाँ पे डंपिंग जो ना होने के कारण ये सीधा इस मलबे को नीचे गिरा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए ये इनकी, ये भाई साहब बोलते हैं कि यहाँ पे डंपिंग जोन नहीं है और इसलिए ये वो पूरा उतर रहे हैं। ये बोल रहा है इस जीसीबी वाले को, आप इधर लाओ और यहाँ पे गिरो। ये कहते हैं यहाँ पे डंपिंग जोन ना होने के कारण ये लोग इस मलबे को सीधा यहाँ पे गिरा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी जाम लगा हुआ है और ये रोडें सारी ऐसी डैमेज हो गई हैं